आ प्रकार की माहिती पुलिस इंस्पेक्टर श्री जे एम पटेल ने मळता तो ये तात्कालिक एटीएस ना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री दीपन भद्रन अने श्री सुनील जोशी ने आ इन्फॉर्मेशन थी माहितगार करी अने आ माहिती मळतानी साथे ज एटीएस ना बन्ने उच्च अधिकारी एक ऑपरेशन केवी रीते करीए एनु एक आखू प्लान बनावामां आव्यु अने ए प्लान में एटीएस में फरज बजावता पुलिस अधीक्षक कक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश जाट नेतृत्व में एक टीम बनावामां आव्यु अने आ टीम में पुलिस इंस्पेक्टर एटीएस श्री वीएन वाघेला अने पुलिस सब इंस्पेक्टर एसीएस श्री वाईजी गुर्जर नो समावेश करवामां आव्यो। आ त्रण अधिकारी एटीएस की जो टीम थी ए लोकोए कोस्टगार्डना उच्च अधिकारी ने संपर्क कर अने कोस्टगार्डना उच्च अधिकारी ने अपनी पास जो इन्फॉर्मेशन थी जो माहिती थी आ षड्यंत्र बाबतनी एनाथी ए लोग ने माहितगार करवामां आव्यो अने कोस्टगार्ड ने साथी राखी ने एटीएस द्वारा सफलतापूर्वक एनु एक आयोजन करवामां आव्यो। आ ऑपरेशन में इंडियन कोस्टगार्ड नी बे बोट ने मदद लेवामां आव्यो मीरा बहन अने अभीक अने एमा इंडियन कोस्टगार्ड अधिकारी साथे साथे एटीएस ना पण आ त्रण लोकोए पण आ बोट में आ ऑपरेशन माटे गया हता। जे इन्फॉर्मेशन मळी हती ए इन्फॉर्मेशन साची निकली अने ओखा थी आश्रे 180 नोटिकल माइल दूर भारतनी जे जलसीमा छे त्यां आ एक शंकास्पद बोट मळी आव्यु अने एना कब्जे करवामां आव्यु। आ बोट में आश्रे 61 किलो केजी नो मादक पदार्थ मळी आव्यु छे अने साथे साथ ईरान देशना 5 नागरिकों पण मळी आव्या। आ 5 लोकोना नाम छे मोहसिन अयूब बलोच, असगर रियाज बलोच, खुदा बख्श हाजी हाल बलोच, रहीम बख्श मौला बख्श बलोच अने मुस्तफा आदम बलोच। आ ऑपरेशन थया पछी आ 5 लोकोनी जे प्राथमिक पूछपरछ थई छे एना उपरथी आ फलित थाय छे कि उत्तर भारतनी कोई गैंग ने ए लोको आ मादक पदार्थ आपवाना हता। प्रथम दृष्टिए आजे 61 केजी आपने मळ्यु छे ए एक सफेद सबस्टेंस छे क्रिस्टल फॉर्मना छे एटले कदाच आ 61 केजी पैकी आइस पण होई शके हेरोइन पण होई शके ए तो ज्यारे आपणे परीक्षण करावीशुं त्यारे आपणने खबर पड़शे। पण आ जे मादक पदार्थ जे पकड़वामां आव्युं छे सफळतापूर्वक एनी इंटरनेशनल मार्केटमां आश्रे किंमत 425 करोड़ जेवी थई जाय छे। एक खूब ज सफलतापूर्वक आ एटीएसनी इंडियन कोस्टगार्डनी मददथी आ ऑपरेशन पार पाडवामां आव्युं छे अने मने आ वखते एटीएसना अहींया उपस्थित अधिकारीओने अभिनंदन आपवानुं पण तक मळे छे। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ एटीएस एंड ऑल्सो के जे कोस्टगार्डना अधिकारीओ मददरूप थया हता एमना पण तमाम अधिकारीओने कर्मचारीओने पण हूँ अभिनंदन आपूँ छूँ। अने आपणे जाणीए छीए के राज्य सरकार अने केन्द्र सरकार बन्नेनी एक आ मादक पदार्थनी विरुद्धमां खूब मक्कम रीते कामगिरी करवानी अने आपणी जे युवा धण छे ए आ मादक पदार्थना वेशमां ना आवी जाय एना माटे तमाम जरूरी कामगिरी करवा माटेनो छेल्ला केटलाक वर्षोथी प्रयत्न चालू छे। एटीएस तरफथी अगाउ पण जे ऑपरेशन्स थई छे एनाथी आप सौ माहितगार छो। ए ज प्रयत्नना श्रृंखलामां ગઈકાલે પણ આ એક સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન કરવામાં આવી છે। અત્યારે જે પ્રાથમિક રીતે જે પૂછપરછ કરવામાં આવી છે મેં આપણે આ 5 લોકોને જે મેં નામ આપી છે એ લોકો હજી આપણી પાસે પહોંચ્યા નથી રસ્તામાં છે। એ ઓપરેશન જે થયું છે આપણે સેટેલાઇટ ફોનથીના કોમ્યુનિકેશનથી એ લોકોની સાથે સંપર્કમાં છીએ એટલે બહુ વિગતવાર આપણી પાસે માહિતી નથી। પણ આપણી જે પ્રશ્ન છે એમાં એમ કહી શકાય કે ઈરાનના આજે 5
आरोपी छे ए लोको कोणार्क चबहार ईरान ना छे अने आजे बोट जे निकली हती ए चबहार थी निकली हती अने चबहार थी निकली एटले पाकिस्तान नी पश्चिमी बंदर एक छे ए लोको पश्चिमी बंदर गया अने पश्चिमी बंदर मां जई आजे मादक पदार्थ छे एनी एक जे आखी स्टॉक छे ए लोको त्यां लोड करी अने पछी भारत तरफ ए लोको आव्या हता। રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાય છે આ અંગે પત્રકાર પરિષદ કરી કે આખું ઓપરેશન કઈ રીતે પાર પાડવામાં આવ્યું હતું એક ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી અને ઇન્ફોર્મેશનના આધારે બે બોટ છે તેની પણ મદદ લેવામાં આવી વોચ ગોઠવવામાં આવી અને આખરે આ ષડયંત્ર છે તેને નાકામ કર્યું।